हरदोई के शाहबाद में 18 अक्टूबर को 11 वर्षीय बालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बेटे और खुद को बचाने के कारण गला दबाकर हत्या की गई थी। गांव के ही युवक ने बालक के कपड़ों से ही उसका गला दबाकर हत्या कर सब को खेत में छुपाया था। दरअसल हरदोई के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में गन्ने के खेत में बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात को खुलासा कर दिया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बालक की गला दबाकर हत्या करने की बात को कबूला है। दरअसल आरोपी के बेटे के साथ मृतक खेल रहा था, इस दौरान वो गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश न आया तो आरोपी ने बेटे के दोस्त का गला दबाकर मार डाला। पुलिस का कहना है कि आरोपी के बेटे से आयुष की 5 रुपए के लिए छीना जब्ती हुई थी, इस दौरान खड़ंजे पर गिरने की वजह से आयुष घायल हो गया था। इसी दौरान आयुष के दोस्त के पिता ने उसे उठा लिया और अस्पताल ले जाने के बजाय उसे गन्ने के खेत में ले गया, जहां पर उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और सबको वहीं छुपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शाहबाद में 19 अक्टूबर को लालपुर गांव के 11 वर्षीय आयुष के गुम होने की सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। 23 तारीख को आयुष की डेड बॉडी गांव से बाहर ही गन्ने के खेत में बरामद हुई थी। पुलिस द्वारा आज उसमें सफलता प्राप्त हुई है और अभियुक्त छोटे लाल को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि छोटे लाल का बेटा विनोद और आयुष खेल रहे थे और खेलने में आयुष 5 रुपये हार गया, जिसे वो छीन के भागने लगा और इसी दौरान वो गिर गया, जिससे उसको चोटें आई और बेहोश हो गया। छोटे लाल आयुष को लेके अपने घर गया, होश में आता ना देख छोटे लाल गाँव के बाहर ही गन्ने के खेत में उसको डाल दिया और उसके कपड़ों से ही उसका गला घोंट दिया। पुलिस की कई टीमों द्वारा जब लगातार इसमें प्रयास किया गया तो गांव के बच्चों से अन्य से जानकारी करते करते आज छोटे लाल की गिरफ्तारी की गई है। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर छोटे लाल को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।